एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट जो कि आपके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, तो उसका मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू लेके आई हूँ। इस प्रोडक्ट को मैंने खुद लगाया, उसके बाद मैं इसको एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। इसके रिजल्ट बताऊंगी और सारी डिटेल बताऊंगी, किस स्किन टाइप के लिए, इसका MRP क्या है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। इससे आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको इसे बाय करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, संडे, मंडे और थर्सडे। तो 3 दिन आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू। तो आज जो रिव्यू होने वाला है वो कोजी केयर प्लस क्रीम पे होने वाला है। पैकिंग इसकी लग रही है कि ये एक सीरम है, लेकिन ये क्रीम है। इसकी आउटर पैकिंग आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है। और इसके 3 प्रोडक्ट आए हैं, जैसे कि कोजी केयर आपने बहुत नाम सुना होगा कोजी केयर के बारे में, तो बस इसका एक न्यू जो है उभर के आया है, कोजी केयर प्लस है ये, ठीक है। जो इससे पहले हम जो रिव्यू कर रहे थे अब तक वो कोजी केयर था, लेकिन ये जो है कोजी केयर प्लस है। कोजी केयर प्लस का सोप का रिव्यू मैं कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें सोप से एक होल्डर होगा, वहाँ पे आपको इस कोजी केयर प्लस का सोप का एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। उसके रिजल्ट कैसे हैं, कैसे काम करता है, स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग में कितना हेल्प करता है, वो सारी डिटेल आपको उस रिव्यू देखने के बाद पता चलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसकी क्रीम की, ठीक है, और इसका जो सीरम है वो मैंने बाय कर लिया है, अनबॉक्सिंग मैंने आपको दिखाया था, तो उसे मैंने अभी तक ट्राई करना स्टार्ट नहीं किया, उसे ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगी। तो फिलहाल अगर हम बात करें इस क्रीम के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्राइस देख लेते हैं कि प्राइस क्या है। पैकिंग आपने देख चुके हैं कि पैकिंग जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, और इस तरह से जो है बॉटल आपको मिलेगी। और इसका जो प्राइस है वो है 450, कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया गया है इसमें, क्योंकि जैसे जैसे ये पुराना होगा तो इसमें डिस्काउंट मिलने लगेगा। अभी न्यू प्रोडक्ट है तो इसलिए इसमें कोई भी डिस्काउंट मुझे नहीं मिला। तो 450 इसका प्राइस है। और कंपोजिशन इसके ग्लूटाथायोन है और कोजिक एसिड है, अल्फा आर्बुटिन है, तो बहुत ही अच्छे इसमें लिक्विराइज भी है। मतलब कुछ कंपोजिशन इसके ऐसे हैं जो स्किन लाइटनिंग के एजेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक नेचुरल स्किन के लिए काफ़ी अच्छे, जैसे विटामिन सी है, ई है, ए है, और कैस्टर ऑयल भी इसमें ऐड किया गया है, और साथ में जो है इसमें लिक्विराइज भी है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंपोजिशन हैं, कोई भी ऐसा कंपोजिशन नहीं है कि जिसके रिजल्ट आपको ना मिले। तो कंपोजिशन देखें लगता है कि हाँ इसके रिजल्ट हैं। तो अब देख लेते हैं इसके क्लेम, ठीक, क्लेम के साथ साथ मैं रिजल्ट भी बताते चलूँगी कि क्या इसके रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो ये फर्स्ट क्लेम इसका ये है कि एवन स्किन टोन इसका क्लेम है, तो बिल्कुल ये काम करेगा। अगर आपके कहीं भी स्किन पे कहीं भी ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर डार्क स्किन हो रही है, यहाँ पर फेयर है, फिर डार्क है ना, तो एवन स्किन टोन नहीं है, तो ये उसमें भी ये हेल्प करेगा। और नेक्स्ट जो इसका क्लेम है, मॉइस्चराइजेस स्किन, ठीक है, तो इसमें भी ये काम करने वाला है, बिल्कुल भी आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, लेकिन इसका सोप अगर आप इसके साथ ट्राई करोगे तो ड्राई होगा, ठीक है। उस सोप को आप, मैं कहूँगी कि आप समर सीजन में ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा काम करेगा वो ऑयल कंट्रोल के लिए, क्योंकि स्किन को वो ड्राई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका क्लेम है, रिड्यूस स्किन रिंकल, तो बिल्कुल रिंकल में काम करेगा, लेकिन रिंकल से फेस के रिंकल्स पर, ठीक है, आप अंडर आई एरिया में आपको इसे अप्लाई नहीं करना है, और ये माउथ एरिया पर ट्राई नहीं करना है, ठीक है, बस ये एरिया और ये एरिया आपको छोड़ के इसे पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना। आप नेक पे ट्राई कर सकते हो, अपने हाथों पे ट्राई कर सकते हो, पैरों पे ट्राई कर सकते हो, अगर बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इस पार्ट को और इस पार्ट को छोड़ के, ठीक है। जैसे कई क्रीम होती हैं आप सिर्फ फेस के अलावा अगर और कहीं अप्लाई करते हो हैंड फिट पे, तो वो नहीं उतना रिजल्ट दिखा पाती हैं, ऊपर से एक लेयर बना के फिर उसको डल कर देती है, तो इसके साथ ऐसा नहीं होगा, आप इसे हैंड फिट पे अप्लाई कर सकते हो, इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और साथ में जो है कि इम्प्रूव आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा, तो बिल्कुल स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा। इवन स्किन टोन की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपके स्किन टोन को इम्प्रूव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ब्लैक से वाइट कर दे, ठीक है, जो आपकी नेचुरल स्किन टोन है उसको लेके आएगा। मैं जैसे अगर मुझसे पूछेंगे कितने स्किन टोन तक ये आपके वो आपके स्किन को लाइट कर सकता है, तो मैं कहूँगी 1 से 2 टोन तक ये जो है आपके स्किन टोन को ये लाइट कर सकता है। और सल्फेट फ्री, सॉरी सल्फेट नहीं, ये पैराबिन फ्री नहीं है, ठीक है, जैसे कई लोग का रहता है कि पैराबिन फ्री है या नहीं है, तो इसमें पैराबिन है। जैसे अगर डेमलिन बिलुमा की बात करें तो उसमें पैराबिन नहीं है, तो वो स्टेराइड फ्री क्रीमें हैं, लेकिन ये नहीं है। और साथ में जो है कि ये क्लेम और इसका है कि आपकी स्किन को ये सॉफ्ट सफल रखेगी, तो बिल्कुल आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी इससे। बस एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लीजिए, क्योंकि इस टाइम मैं रिव्यू कर रही हूँ तो इस टाइम का जो मौसम है वो ठंडा है, तो जैसी बात है स्किन ड्राई होती है। और इसके अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला जो है बिल्कुल क्रीम की ही तरह है, आपको इस तरह का पंप दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह का देखिए फार्मूला देख सकते हैं आप,
आपको क्या करना है, कई लोग लगाने का तरीका बहुत गलत होता है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे फेस पे या हाथ पे लगा रहे हैं तो आपको इसे सिर्फ लगा के ऐसे कई लोग बस छोड़ देते हैं कि हाँ बस क्रीम लग गई भाई बस हो गया रात में सो जाओ, है ना। और मैं एक चीज़ में बता दूं कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो रात के टाइम अगर आप लगाओ पूरे रात भर तो वो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं दिन के मुकाबले। तो आपको क्या करना है, इसे लगा के सिर्फ ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको इसे एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है, जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए, ऐसा लगे नहीं कि आपने कुछ लगाया, हल्का हल्का सा मॉइस्चराइज रहेगा, ठीक है। आपको इस तरह से क्या करना है, इसे अप्लाई करना है, जैसे जैसे आप इसे मसाज करोगे हल्के हाथों से, ठीक है, तो ऐसे मसाज करोगे तो ये आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये अब हो गया, अब नहीं करना है। देखिए बस 6 से 7 बार बस आपके अपने हाथों को इस तरह से घुमाना है और ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है। और स्किन जो रही है मॉइस्चर, देखिए ये वाली स्किन मेरा ड्राई लग रही है, ठीक है, लेकिन ये स्किन जो है मैं इसे टच कर रही हूँ तो बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं हो रही, तो आप इसे हैंड फीट पर भी लगा सकते हैं लेकिन रात के टाइम। अब ये नहीं करना है कि आप फेस पर तो अब ध्यान दे ले रहे हैं, आप हैंड फीट पर लगा के अब लोशन की तरह, जैसे विंटर है वही लोशन नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, कोई दूसरा इसी को ट्राई कर लो, तो धूप में मत बैठना, धूप में बैठोगे तो फिर आपके पैरों का कलर, हाथों का कलर जो है वो काला पड़ जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। तो और इसके अगर और रिजल्ट की बात करें तो मुझे इसके क्या रिजल्ट मिले, जैसे कि जो क्लेम कर रहा बिल्कुल उसके ऐसे ही रिजल्ट हैं, ये अच्छा काम करेगा, लेकिन पिगमेंटेशन अगर किसी को है ना तो उस पर ये काम नहीं करने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पिगमेंटेशन है तो ये पिगमेंटेशन लाइट करेगा, पिगमेंटेशन बहुत ही ज़िद्दी होता है, ठीक है, उसके लिए बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उस पर काम करते हैं, या फिर आपको सीधे लेजर ही कराना पड़ता है। तो अगर पिगमेंटेशन आपके फेस पे है, मेलास्मा है, तो आप इस क्रीम को ट्राई ना करें, ये वर्क नहीं कर पाएगा, हल्का फुल्का सा लाइट कर पाएगा लेकिन नहीं कर पाएगा, फिर एक भी एक होती है एक क्षमता, एक लिमिट होती है कि आप इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं ट्राई कर सकते, आप खुद ही उब जाओगे कि नहीं जा रहा है इसे पिगमेंटेशन, तो पिगमेंटेशन वाले इसको अप्लाई ना करें, ठीक है। हल्के से जिसके डार्क स्पॉट है वो ट्राई कर सकता है, इसके बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है, बिल्कुल डार्क डार्क स्पॉट, तो वो लोग इसको ट्राई ना करें, ये नहीं कर पाएगा उतना काम। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही तेज़ी से आपके डार्क स्पॉट को लाइट कर देते हैं और पिगमेंटेशन को भी लाइट करते हैं, तो पिगमेंटेशन वाले से ट्राई ना करें। बाकी अगर पिगमेंटेशन के अलावा आपके स्किन टाइप कैसे भी हो, कोई भी प्रॉब्लम अपने स्किन टोन को आप इंप्रूव करना चाहते हैं या हल्के से डार्क स्पॉट है उनको लाइट करना चाहते हैं, तो आप इसे बेशक ट्राई कर सकते हो, इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो ये रहा मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू, कैसा लगा जरूर बताइएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो का कोई भी समय नहीं है मेरा, हालांकि हफ्ते में 3 दिन ही वीडियो आपको मिलती हैं, संडे मंडे और थर्सडे को, लेकिन कोई भी समय नहीं होता कि मैं किस टाइम जो है अपलोड कर रही हूँ, तो जब भी करूँ तो बेल आइकन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है। तो मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।